हेलो गाइस, राधे राधे। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज हम बनाते हैं कृष्ण लल्ला के लिए केसर मलाई पेड़ा। सबसे पहले हम कर लेते हैं दूध को गरम और इसके अंदर डाल देते हैं केसर के धागे। इसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम पनीर और इस पनीर को मैं क्रश कर लेता हूँ। दूध में बॉईल आ चुका है, अब हम इसे साइड में रख देंगे और इसके बाद पैन में हम डालेंगे क्रीम। यहाँ पर लगभग एक कटोरी क्रीम का यूज़ कर रहा हूँ। क्रीम में हल्का सा बॉईल आते ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे क्रश किया हुआ पनीर और इसे लगभग 10 से 12 मिनट के लिए स्मूथ होने तक पकाएंगे। पनीर बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, आप देख सकते हैं ये पैन को छोड़ने लगा है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक मग सेफ्रॉन मिल्क जो हमने पहले साइड में रख दिया था और इसे दूध के सूखने तक पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं दूध अच्छी तरह से सूख चुका है, ये बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। अब इस मोमेंट के अंदर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, मैं यहाँ पर पाउडर शुगर का यूज कर रहा हूँ। इसमें लगभग आधी कटोरी पाउडर शुगर डलेगी। इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। टेस्ट के लिए हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर और इसे पूरी तरह से गाढ़ा होने तक यूं ही लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसे पकाते को हमें लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं पूरी तरह से गाढ़ा हो चुका है और कढ़ाई को छोड़ने भी लगा है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पसंद के ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ कैशू। इसे मिक्स करेंगे, गैस को बंद करेंगे और ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अब हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़ा तैयार करने के लिए हम इसे इस तरह से हाथ में लेंगे और जैसा साइज़ हम रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। इस तरह से गोल गोल शेप दे देंगे और उन्हें एक प्लेट में रख लेंगे। तो तैयार हैं कृष्ण लल्ला के लिए केसर मलाई पेड़े। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सबको फिर से कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।